उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रहे सड़क 11 टनल धंसने के चलते 41 मजदूर कई दिनों से फंसे हुए हैं। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अंदर फंसे मजदूरों का सब्र का बांध टूटने लगा है। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम ने मजदूरों के लिए स्मार्टफोन भेजे हैं। इन स्मार्टफोन पर लूडो, सांप सीढ़ी समेत कई तरह के गेम डाउनलोड किए गए हैं। अंदर फंसे मजदूर गेम खेलकर अपना तनाव कम करेंगे। मजदूरों का ध्यान परेशानी से हटाने के लिए ये फैसला लिया गया, ताकि अंदर फंसे मजदूर गेम खेले और मुसीबत के समय एक दूसरे का ढांढस बांधे। स्मार्टफोन के जरिए उनको टनल में समय बिताने में आसानी होगी। टनल में फंसे मजदूरों को जो मोबाइल फोन भेजे गए हैं, उनमें लूडो, सांप सीढ़ी और दूसरे अन्य गेम को डाउनलोड करके भेजा गया है। मीडिया से बात करते हुए कुछ परिजनों ने कहा था कि अंदर फंसे कुछ लोग बहुत ज्यादा चिंता में हैं। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। कई दिनों से अंदर रहने के कारण उनको घबराहट हो रही है, इसलिए रेस्क्यू टीम ने अंदर फंसे मजदूरों को गेम खेलने के लिए फोन भेजे हैं। शायद स्मार्टफोन पहुंचने के बाद अब उनका माइंड डाइवर्ट हो और उनको बेचैनी जैसी कोई परेशानी ना हो। बचाव स्थल पर मौजूद मनोचिकित्सक ने कहा है कि अंदर फंसे हुए सभी मजदूर स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखना जरूरी है। इसलिए हम फंसे हुए मजदूरों को तनाव दूर करने में मदद के लिए लूडो, शतरंज और ताश उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। बचाव अभियान में लगातार देरी हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ समय और लगेगा। चिकित्सकों की एक टीम प्रतिदिन इन मजदूरों से बात करती है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी लेती है। अधिकारियों ने कहा कि करीब दर्जन भर चिकित्सकों की टीम टनल के सदस्य फंसे हुए मजदूरों से नियमित रूप से सुबह और शाम कम से कम 30-30 मिनट इसी तरह से बातें करती है। बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मात्र 10 मीटर की ड्रिलिंग रह गई है। अगर मशीन की ब्लेड ना टूटती तो ये ड्रिलिंग आसानी से हो जाती। वहीं अब रेस्क्यू टीम ने ड्रिलिंग के लिए दो प्लान पर काम करना शुरू किया है। रेस्क्यू टीम अब वर्टिकल तरीके से ड्रिल करेगी, साथ ही बाकी 10 मीटर की ड्रिलिंग को मैनुअल तरीके से किया जाएगा।